नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ बाबा महेंद्रनाथ, तो जाने के लिए सबसे पहले स्कॉर्पियो भाई, दिनेश भाई, पंकज तिवारी निकल गए हैं। तो भाई हाँ ठीक है ठीक है, नहीं आएगा। चाबी तो ले लें, चाबी भूल गए थे गैस, तो चाबी ले लेते हैं। चाबी लेकर निकल रहे हैं, अभी चाबी लेकर ले ही लिए। भोलू बाबू एकदम बेचैनी में है। फाइनली बैठ गए गाड़ी में और यहाँ से निकलेंगे हम बाबा महेंद्रनाथ। सारा काम उतर जाए, बोल पा रहा है। निकल गए घर से, अब जा रहे हैं हम लोग बाबा महेंद्रनाथ। दिनेश भाई, दिनेश भाई हैं, पंकज तिवारी हैं और एक हमारे और बड़े भैया हैं, तो अपना मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। ये मेरे घर का रास्ता है, यही इसी से यहाँ देहात की सब लोगों से हम लोग जुड़ाव करने के लिए शहर टाउन के लोगों को गांव के चीजों को दिखाते रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर। आज चलेंगे हम बाबा महेंद्रनाथ, वहाँ का भी बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। वहां से आपको दर्शन कराएंगे, बीच बीच में आप लोगों को दिखाएंगे वहां रसूलपुर बाजार भगवान जी। भाई भाई दिनेश भाई, अब जा रहे हैं हम लोग बाबा महेंद्रनाथ की तरफ। एक कुमार सिवान में गाड़ी भी रिजर्व बोल दिया, तेल इज रनिंग ऑन रिजर्व फ्यूल। दिनेश भाई, हमारे गुरु पंकज तिवारी जी, इनका आशीर्वाद रहता है हम लोग के ऊपर बराबर। का तिवारी जी, आप लोग के आशीर्वाद से ही ना हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए रसूलपुर पहुंच चुका है। दिनेश बाबू बोलिए कुछ हमारे दर्शक के लिए, आप बोलिए कुछ। अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा महेंद्रनाथ के पास, रसूलपुर चट्टी पहुँचने वाले हैं हम लोग। हम हैं, उनके तिवारी जी हैं, हमारे भूनक प्रजाति के मुखिया जी श्री दीपक कुमार मिश्रा, और एक बाबा महेंद्रनाथ के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। जय बाबा महेंद्रनाथ मेहंदार। आज सुबह में ही हम लोग प्लान किए कि बाबा के दरबार में चले। यही रोड जाता है बाबा के दरबार में। पहले हम लोग को हनुमानगढ़ी मिलेंगे बाबा हनुमान जी। हनुमानगढ़ी के बाद बाबा महेंद्रनाथ दरबार, लेकिन बाबा महेंद्रनाथ दरबार में पूजा करके ही हनुमानगढ़ी में पूजा किया जाता है। गांव के लोग कितना नजदीक हैं बाबा के दरबार के, भाग्यशाली हैं कि इस गांव में लोग को जन्म हुआ और रोज बाबा को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता होगा। क्या दिनेश भाई, आ गए। इस 52 बीघा का यही पोखरा है, यहाँ का भी कथा बहुत है। निराली है, बहुत पुराना इतिहास है। ये देखिए माहौल, ये जो वातावरण है, कितना शांति वातावरण, हरा भरा, ये यही सब माहौल रहने लायक है। लेकिन सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। हम लोग कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए आते हैं बाबा के दरबार में, अपना शीश नवा कर फिर चले जाते हैं। लगे
जैसे आप लोग भी आइए, बाबा का दर्शन कीजिए, बाबा का शक्ति बहुत रहता है भक्त के ऊपर। दिनेश भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, गाड़ी ज्यादा ही जर्किंग कर रही थी। थोड़ा रोड भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक ही है। सावन में सोमवारी के दिन बाप कितना भीड़ होता है, देखिए यहाँ छठ पूजा होता है। और ये जो पोखरा है, यहाँ हम लोग पोखरा में कितना बार चौगेठे हैं, जो भाड़ा मन्नत मांगता है, मन्नत पूरा होने पे यहाँ आकर परिक्रमा लगाता है बाबा के दरबार में। देखिए ये सब मेला लगता है तो सब सोमवार को थोड़ा ज्यादा भीड़ रहता है, अभी इसको बंद किया हुआ है लोग, शाम को सुबह यहाँ भीड़ रहता है। बच्चों के लिए दिखाइए, बच्चों के लिए सब लगा हुआ है झूला वाला। अभी भी भक्त है, कुछ भक्त तो है ही है, क्या दिनेश भाई जी, भक्त लोग तो है ही। गाड़ी पार्किंग आगे आगे कर दिया है, अभी नया पिछले बार जो भगदड़ हुआ था यहाँ पे बहुत लोग घायल हुए थे, उसके चलते अच्छा कॉरिडोर टाइप का बन चुका है। हाँ यहाँ से पार्किंग तो पीछे है, लेकिन यहाँ से गाड़ी जा सकती है। हाँ अभी उतना भीड़ नहीं है तो गाड़ी जा सकता है। जमा काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ तो ये देखिए यही पोखरा है, रुके 52 बीघा, इतना सुंदर माहौल बाबा के दरबार में। आइए चलते हैं। है? कल सा ना ऐसे ही अब हम लोग जा रहे हैं बाबा के दरबार में, अंदर पूजा करेंगे थोड़ा सा। पानी रखो क्या? पानी है, आ रहे हैं जल लेने। देखिए ये नया घाट बना हुआ है, जाएंगे जल पुरुष स्नान घाट, उधर महिला स्नान घाट है। जय बाबा महेंद्रनाथ। आ गए, हाय गाइस, चलिए क्या हुआ, जय श्री क्या करना है, चलिए अंदर, ऐ चलिए अंदर। अंदर जा रहे हैं पूजा करने, तिवारी जी भी आ रहे हैं। उधर एक नया घाट बना है क्या, उधर देखिए दिखाइए उसको। चलिए बाबा के दरबार में जय बाबा।
महेंद्रनाथ आइए मंदिर प्रांगण में आपको दर्शन करना। इतना अच्छा इस साल से ही ये पर्यटन की व्यवस्था की गई है। पिछले साल अच्छा हुआ, थोड़ा परेशानी तो हुआ ही था पिछले साल। फोटो तो किसी को खींच ले जा बाबा के दरबार में। आ चुके हैं हम लोग बाबा है नौ सब चलो विष्णु हो प्रजापति क्षेत्र शुभे श्रावण मास अधिक मास सप्तम पक्षे कृष्ण पक्षे विद्या Thank you.
ओम चंद्र नित्यम पवित्रम पापनाशन आपदा हते नित्यम रक्षणम। बाहर बनी हुए भगवान के दरबार में जय माँ रक्षा करें। हे माँ जय माता, मात पार्वती जी का दर्शन कीजिए। बाबा महेंद्रनाथ की कहानी आप लोगों को बताएंगे हम। बहुत ही प्रभावशाली देवता में एक है बाप, और ये दरबार जो है यहाँ केवल कल्याण ही होता है। गणपति महाराज जी हैं, यही एक भोले बाबा का दरबार है जो कि पूरा इनके परिवार का पूजा होता है। बाकी ऐसा कोई भगवान नहीं है कि जो जिस दिन का पूरा परिवार का पूजा होता हो। ये माहौल देखिए, बाबा का मंदिर का पूरा दर्शन कराइए, देखिए बगल में काल भैरव बटुक जी का है, बजरंग बली का है, श्री राम जानकी मंदिर, ये देखिए काल भैरव। आइए काल भैरव, उधर से शायद रास्ता ब्लॉक किया गया है। जय बजरंग बली का राम जानकी मंदिर, आइए इधर आइए। यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, जिसका मन इनका मन्नत पूरा होता है अपना घंटा आकर कभी जो होता है अपना आकर बाबा के दरबार में अर्पण करते हैं। और मैं सब लोग अपने व्यूअर से बोलूँगा कि यहीं से दर्शन कीजिए, बाबा बहुत कल्याण करते हैं। बाबा का छत्र छाया जिनके ऊपर होता है उनको कोई रोग कष्ट नहीं होता है। आइए जगदम्बा महाकाली मंदिर, जय माता पार्वती, सबका कल्याण हो। इस दरबार में आने के बाद शांति और सुकून मिलता है। काली जी का दर्शन कराइए। जय माता रक्षा करी। माता पार्वती जी का दर्शन कराइए। इस ये पार्वती जी का मंदिर का स्थापना डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के लोकप्रिय जिस समय भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे हो गए थे 1984 में किए हुए थे। माता सबका कल्याण करें, दर्शन कीजिए पूरा मंदिर का। बोलू भाई नहीं आए क्या? बताया जाता है कि इस मंदिर का कहानी बहुत ही रोचक है।
बताया जाता है कि राजा महेंद्र सिंह जो नेपाल के राजा थे उस समय के 17वीं सदी के करीब करीब बात है, ये बनारस गए थे इलाज कराने, चर्म रोग हो गया था, कोई बोलता है कोढ़ जैसा बीमारी हो गया था। पेशी मंदिर के किनारे जहाँ हम लोग जल लिए सोए हुए थे रात में, रात के समय बाबा भोलेनाथ उनको स्वप्न में सपना दिखाएं कि निराश मत हो, तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, सुबह उठकर तुम इसी पुखड़ा में नहा लेना। और राजा ने उस पुखड़ा में सुबह उठकर नहाए और नहाने के बाद उनका पूरी तरह से बीमारी ठीक हो गया। तो उसी दिन शिवलिंग को नेपाल ले जाने के लिए अपना पूरा तैयारी करने लगे। फिर उसी दिन रात में सपना में आए शंकर भगवान और बोले कि ज़्यादा तेज मत बनो, यहाँ से शिवलिंग ले जाने की कोशिश मत करो। उस समय छोटा यहाँ मंदिर था, तो फिर वहाँ से फिर जब ले जाने लगे तो जब सपना दिखाया तो फिर वो अपना प्लान चेंज करके यहाँ मंदिर बनवाने लगे। बहुत विशाल मंदिर बनाया यहाँ पे और पोखरा का विस्तार करी करी लोग बोलते हैं कि 52 बीघा में है। तो पोखरा भी जो खुनवाए तो पोखरा में एक भी कुदाल का प्रयोग नहीं किया गया, सब अगल बगल के गाँव में जितनी हल था हल से ही वो पोखरा का विस्तार किया गया, जो कि लोग बताते हैं करीब करीब 52 बीघा में है। तो इस तरह की कहानी है 17वीं सदी के, करीब करीब 500 साल पुराना ये मंदिर है। आज भी लोग बताते हैं कि इस पोखरा में नहाने से जितना जलन और चर्म रोग जैसी बीमारी होती है ठीक हो जाती है। तो फिर हम लोग आप लोग से भी विनती करेंगे कि आइए दर्शन कीजिए, आइए निकलते हैं अब। अब जाएंगे हम लोग गाड़ी की तरफ, बगल में इधर मेला लगता है, डेली मंदिर में पूजा हजारों हजारों लाखों दर्शक आते हैं, दर्शन करने आते हैं दार्शनिक सब भक्त लोग आते हैं। ये है जिला नियंत्रण कक्ष, प्रशासन की पूरी टीम यहाँ कंट्रोल करने के लिए रहती है हमेशा, खासकर सावन मास में और मुस्तैदी से काम करती है। हाँ तो गैस फिर हम मिलते हैं कल, नया जबरदस्त तरीके से कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, फिर नया जगह से आपको ब्लॉग बनाएंगे और आपके दर्शन के लिए हमेशा हम तत्पर हैं और रहेंगे। और नया नया देहात का जो एरिया है, जो नया नया जो चीज़ दर्शन शहर के लड़का लोग आज नहीं कर पाते हैं उसको हम कराएंगे। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कौन पुत्र हनुमान जी हुए हैं